31 साल के राहुल त्रिपाठी को आखिरकार भारतीय टीम में मौका मिल ही गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैच की ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ है। इस सीरीज में राहुल त्रिपाठी को शामिल किया गया है। आईपीएल के पिछले 2 सीजन से बल्ले से बवाल कर रहे त्रिपाठी को दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज में ही टीम इंडिया का टिकट मिलता दिख रहा था, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें मौका नहीं दिया। लेकिन उनको जब आयरलैंड के खिलाफ टीम में शामिल किया गया, लेकिन वहां पर भी उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। आईपीएल 2022 की नीलामी में 40 लाख की बेस प्राइस वाले राहुल त्रिपाठी को सनराइजर्स हैदराबाद ने 8.5 करोड़ में खरीदा। लीग के 14 मैच में राहुल ने 37.55 की औसत और 158.24 की स्ट्राइक रेट से 413 रन बनाए। वे सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी रहे। आईपीएल 2021 में केकेआर के लिए राहुल त्रिपाठी ने 140 की स्ट्राइक रेट से 397 रन बनाए थे। राहुल त्रिपाठी का जन्म भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में ही हुआ है। उनके पिता आर्मी में थे, जिसकी वजह से राहुल कई जगह रहे। आखिरी में वो पुणे में रहने लगे और महाराष्ट्र के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने राहुल को पहली बार मौका दिया था। पहले ही सीजन में उन्होंने 14 मैच में 146.44 की स्ट्राइक रेट से 391 रन बनाए थे। तो अब एक बार फिर राहुल त्रिपाठी को इंडियन स्क्वाड में शामिल किया गया है और उनको टीम में देख काफ़ी खुशी मिली, क्योंकि रैली उन्होंने अपने आप को बहुत प्रूफ किया है इंडियन टीम में पहुंचने के लिए, एंड होपफुली उनको खेलने का भी मौका मिलेगा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में। तो गाइस, आपका इसके ऊपर क्या कहना है कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।